हाँ बहुत से लोग आते हैं, हो गए पार, बहुत से लोग आए पार, लेकिन आपने उसे समाज का क्या करना, समाज ने क्या कार्य किया, खासकर दिल्ली बम्बई के तो लोग मिलते ही नहीं, हमारे यहाँ के मुंबई के सहयोगी जो है वो मिलते ही नहीं, यहाँ जो जमे हैं मुंबई शहर में ही रहते हैं और यही थोड़ा बहुत पढ़े हैं, आस पास के इतने लोग हैं देहातों में जाए। सहयोग से आप जानते हैं कि ग्रामीण भाषा में भाग में क्रांति आ सकती है, क्योंकि इन चैतन्य लहरियों से आपकी खेती भी बहुत बढ़ी, खेती के कितने प्रयोग ऑस्ट्रिया में लोगों ने किए हैं, हमने भी किए हुए हैं और सिद्ध कर दिया कि इससे खेती कभी कभी 10 गुना बढ़ती है, पर वो खेती बढ़ाना ही हमारा कार्य नहीं, किंतु बढ़ सकते जब सहयोगी हो जाए, खेती हर जो है वो अगर सहयोगी हो जाए तो खेती में 10 गुना ज्यादा बढ़ सकते। ऐसे गाय या भैंस विशेषता गाय को अगर आप चैतन्य की लहरियां दें और उससे वो अगर प्लावित हो जाए तो इतना दूध देगी उसके आगे कि ऑस्ट्रेलिया से गाय लाने की जरूरत, और फिर उसका जो दूध होगा उससे वो नुकसान नहीं होने वाला जो ऑस्ट्रेलिया के दूध से होता है, और इसी ऑस्ट्रेलिया के दूध को पी करके आजकल मैं सोचती हूँ कि ये जो बुद्धिवादी है इनका दिमाग उलट गया, जिसे परवर्टेड इंटेलेक्चुअल्स कहना चाहिए, जो भ्रमिष्ट जैसी बातें और उनकी बातों का आप मानते हैं, क्योंकि कुछ तो भी नई बात कोई कह दे भ्रमिष्ट के जैसी उसको मान लेते, जो चीज पुरातन है और सदियों से चली आ रही है वो अवश्य ही उस पर काफी तरह के बादल छा गए और उसमें खराबियां आ गई, ये मानने की बात है, तो भी जो उसका तत्व है वो शुद्ध, उस शुद्ध तत्व को अगर हम प्राप्त करें तो आज दुनिया में भारतवर्ष से बड़ा कोई देश नहीं। आज मैं आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपसे मुझे कोई वोट लेना है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ ये वास्तविक, और इसीलिए मैं आपका मान करती हूँ कि आप भारतीय हैं, आपका मैं ही नहीं, लेकिन इतने देशों में जाते हैं वहाँ सब जगह भारतवर्ष का बहुत मान है, सब लोग बहुत मानते हैं, और अनेक शिक्षकों में अनेक जगह लिखाया हुआ है कि इसका ज्ञान ही भारत का है। मैं रशिया में गई तो लोगों ने बताया कि सबने कहा कि माँ क्रिश्चियनिटी जो है आध्यात्म जो है वो भारत से आने वाला है, ऐसे अनेक कोने हमें बताया। चाइना में भी लोग कहते हैं कि जो आध्यात्म है वो यहाँ से आना, और जब आध्यात्म ही सबसे ऊंची चीज है तो फिर दुनिया भर की चीजों की परवाह क्यों करना, उसके पीछे क्यों दौड़ना, इससे अच्छा यही है कि हम उस चीज को प्राप्त कर लें जो सबसे ऊंची चीज है, और जिसको प्राप्त करने के बाद किसी भी तरह का अहंकार नहीं, किसी भी तरह का आप दायित्व बना रहे हैं, एक अत्यंत नम्रता आ जाती है और उस नम्रता में आपकी पूरी तरह से आरक्षित, उसको जरूरत ही नहीं कि किसी के ऊपर में आक्रमण, जो आक्रमणकारी है वही नष्ट हो जाता है क्योंकि वो असत्य पे खड़ा है और आप सत्य पे खड़े। अब कड़ी जा करके 50 साल से कृत युग शुरू हो गया, कृत युग का मतलब है कि ये चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का साम्राज्य, इसे कहना चाहिए कि परम चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य है, ये कार्यान्वित हो गया है, ये कार्य करने लग गया, और क्योंकि ये कार्य करने लग गया है ये जागरूक हो गया है, जो आज तक संतों को रक्षण नहीं मिला, जो आज तक संसार में लोगों को आशीर्वाद नहीं मिले, वो सब आपको मिल सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी बात बहुत लोगों को लगती होगी कि माँ पता नहीं कहाँ से बात कर रहे हैं, पर हम सच बात कर रहे हैं और बिल्कुल सच्ची बात है, और इसे आप एक बार प्राप्त करके फिर हमें बताइए। जब लोग आते हैं तो शंका से आते हैं, पर जब प्राप्त हो जाते हैं तो मेरे पास इतनी लंबी लंबी चिट्ठियाँ थी कि माँ पता नहीं मैं कैसे चमत्कार हुआ, कोई चमत्कार नहीं, परमात्मा के साम्राज्य में चमत्कार ऐसी कौन सी बात है, अरे वो परमात्मा है, उनके लिए चमत्कार भी कौन सी बात है, वो चाहे जो कर सकते, और जब आप उसके साम्राज्य में जाए वो कोई आपके इस इंडियन गवर्नमेंट जैसे नहीं है, वो
तो एक ऐसी गवर्नमेंट है, हजारों हजारों काम एक क्षण, करोड़ों काम एक क्षण में है, और अत्यंत सूक्ष्मता से सुंदरता से, क्योंकि ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति। और वो जानते हैं किस तरह से आप लोगों को आशीर्वादित किया जाए, किस तरह से आपको संभाला जाए, लेकिन इसके लिए आपको सज्ज होना चाहिए। मराठी में कहा गया, कला पाए दे राती से एक जान, इसको के विलियम ब्लेक ने कहा हुआ है कि दे आर स्पेशल कैटेगरी, दे आर मेन ऑफ गॉड, दे विल बिकम गॉडली एंड दे विल मेक अदर्स ऑल्सो गॉडली। विलियम ब्लेक ने 100 साल पहले इंग्लैंड में कहा है, सारा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, सारा कुछ वर्णित किया हुआ है सहयोग के बारे में। इन लोगों ने सबको बताया और जो कहा हुआ है उसका प्रत्यक्ष आप देखिए, और प्रत्यक्ष जो मैंने कहा उसका भी आपको प्रत्यक्ष लेना है, और पहले अपने अंदर ये समझ लेना चाहिए कि आप इसको प्राप्त कर सकते, बिल्कुल सब लोग इसे प्राप्त कर। फिर एक बीज में अंकुरित होने के बाद जरूरी इच्छा होनी चाहिए कि वृक्ष हो जाए, उसी प्रकार आप में भी ये इच्छा होनी चाहिए, और इस इच्छा के साथ, इस शुद्ध इच्छा के साथ में, और इस शुद्ध इच्छा के साथ में ही आप इसे प्राप्त करें। कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब आप जानेंगे। ये तो पहले ये विश्वास अपने अंदर रखिए कि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, और हम एक एक इंसान बड़ा बड़ा कुछ हो सकते हैं। फिर उसमें आप कोई से भी जाति के हो, धन के हो, किसी भी रेस के हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी चीज हो, सबको एक जन्म सिद्ध अधिकार है इसे प्राप्त करें, और एक स्वतंत्रता हो गई, अब स्व का तंत्र आपको जाना है, और स्व आपकी आत्मा, उसका आपको तंत्र जाना है, उसको उसकी आपको गतिविधियां समझनी चाहिए, किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो अपने अंदर से बह करके और सारी दुनिया का कल्याण। तो आज के भाषण में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूर्ण विश्वास के साथ आप इस सहयोग में आए, अपने प्रति विश्वास रखें। अभी हम लोग फिर से इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले अपने प्रति पूर्ण विश्वास। कुछ भी किसी ने सिखाया हो पढ़ा हो भूल जाए, कुछ भी किया हो भूल जाए, इस क्षण वर्तमान में आ जाए, पिछला अगला सब भूल करके, और पूर्ण विश्वास से आपको साक्षात्कार को प्राप्त करें, और उसके बाद आप हमें बात बताइए कि क्या मिला आपको। जबकि पहले शुरू शुरू में बहुत से लोगों को ऐसी चीजें मिल जाती है उसमें भूल जाते, जैसे कि एक साहब है उनको एकदम से बहुत बड़ी नौकरी मिली, सर जो छोड़ दो, उसके बाद में क्या क्या है, मैंने कहा भाई तू करते क्या, कहले माँ मैंने तो सर जो छोड़ दिया तो मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिली। इस तरह से प्रलोभन भी होता है, उस प्रलोभन को न मानते हुए अगर आप सहयोग में अभ्यास के बाद में एक महीना भी मेहनत करें तो आप स्वयं ही बहुत बड़े अपने गुरु भी हो सकते हैं, और सारे संसार के कल्याणकारी एक महान आत्मा भी हो सकते हैं। ये समय है, विशेष समय वातावरण है, इसको कहना चाहिए कि बाहर आई हुई है, और मैं इसको ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। इस वक्त हजारों फूल खिल सकते हैं और हजार फूलों से फल हो सकते हैं, ऐसे एक महान समय में आप पैदा हुए हैं। अपने प्रति निराशा में इसको आप प्राप्त करें, ऐसी आपको एक माँ की विनती। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।